हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आपका पहले से दरवाज़ा पॉलिश किया हुआ है और अभी आप उसके ऊपर पेंट करना चाहते हैं तो वह पेंट कैसे होता है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सभी प्रकार की जानकारी मिल जाएगी और इस प्रोसेस को करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, इसको कोई भी कर सकता है। आपका अगर दरवाज़ा पहले पॉलिश हुआ है या फिर पेंट हुआ है, प्रोसेस सारा सेम ही होगा पॉलिश और पेंट वाले दरवाजे के ऊपर। देखिए, हमारा दरवाज़ा पॉलिश हुआ था जो कि अभी पुराना हो गया है, ख़राब हो गया है। इसके ऊपर हम पॉलिश नहीं करने वाले हैं, इसके ऊपर हम पेंट ही करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके ऊपर प्रोसेस कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमें इसकी रिपेयर करनी होती है, जहाँ से जोड़ वगैरह खुले हों या फिर लकड़ी क्रैक हो गई हो तो वहाँ पर हमें रिपेयर करनी होती है। रिपेयर करने के लिए हम चाक मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, जैसे ये चाक मिट्टी है, ये देख सकते हैं आप चाक मिट्टी, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं आप रिपेयर करने के लिए। सूखा पाउडर होता है ये चाक मिट्टी का, देखिए वाइट कलर का। इसको आप पानी से गीला करेंगे, इसका पेस्ट बनाएंगे इस तरीके से, इसका पेस्ट बना लेंगे। चाक मिट्टी आपको 10-20 रुपए किलो मिल जाती है मार्केट में, सभी पेंट स्टोर पे अवेलेबल होती है। देखिए इस तरीके से यह पुट्टी बना लेंगे और इसकी मजबूती के लिए हम इसमें इनेमल पेंट भी मिक्स करेंगे। देखिए, इनेमल पेंट है एशियन पेंट्स कंपनी का, वाइट कलर का इनेमल पेंट है। बाकी आप कलर कोई चाहे तो दूसरा भी यूज कर सकते हैं इसमें, जो भी आप दरवाजे के ऊपर कलर करना चाहते हैं। हमें वाइट ही करना है तो हम इसमें वाइट ही मिक्स कर रहे हैं। इस तरीके से मिला लेंगे जिससे कि इसकी मजबूती हो जाएगी चाक मिट्टी की। या फिर इसकी जगह पे आप वुड फिलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि रेडीमेड बना हुआ मिलता है आपको मार्केट में। वुड फिलर थोड़ा सा ज़्यादा महंगा पड़ता है, ये 1 kg की लगभग MRP इसकी 333 रुपये होती है। ये सभी कंपनियों में उपलब्ध है, इसको इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों ही जगह पर लगाया जा सकता है। देखिए, ये ब्राउन कलर का है, आप टीक कलर भी ले सकते हैं। तो हम चाक मिट्टी का ही इसमें प्रयोग कर रहे हैं जो हमने पहले बनाई थी, और जहाँ से भी जोड़ खुले हों वहाँ पर हम रिपेयर कर देंगे। अगर पपड़ी बनी हुई है तो पपड़ी को आपको निकालना पड़ेगा, पत्ती की सहायता से खुर्च के पपड़ी को निकाल देंगे, उसके बाद में रिपेयर कर देंगे। रिपेयर करने के बाद में इसको थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देंगे। सूखने के बाद में इसकी हम सैंडिंग करेंगे। सैंडिंग करने के लिए आप 150 नंबर रेगमाल या फिर आप 220 नंबर का वाटरप्रूफ रेगमाल यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा मिलती रहती हैं। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो इसी तरीके से इसकी सैंडिंग कर लेनी है अच्छी तरह से, पूरे दरवाजे के ऊपर हमें सैंडिंग करनी है और फिर हमें इसके ऊपर डायरेक्ट पेंट अप्लाई करना है। तो हम इसके ऊपर साटन पेंट प्रयोग करने वाले हैं। देखिए, एशियन पेंट्स का एपकोलाइट प्रीमियम इनेबल साटन। साटन का मतलब होता है मैट फिनिश, इसमें ग्लोसी फिनिश नहीं होगी, बिल्कुल मैट फिनिश होगा ये। इसमें आप कलर कोई भी ले सकते हैं, सारे कलर अवेलेबल हैं मार्केट में। देखिए, जैसे ये हमारा डार्क ग्रे कलर है लेकिन हम वाइट करने वाले हैं, आप कलर कोई भी ले सकते हैं। अगर आपको मैट में करना है तो आप साटन का प्रयोग करेंगे। और इसको पतला करने के लिए तारपीन का तेल होता है, ये देखिए तारपीन का तेल है, 1 लीटर में लगभग 200 ग्राम तक तारपीन का तेल पड़ता है पतला करने के लिए। तारपीन तेल को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रोल बस पेंट को पतला करना ही होता है। या फिर अगर आपको ग्लॉस पेंट चाहिए, ग्लॉस फिनिश चाहिए, तो उसके लिए आप हाई ग्लॉस पेंट का प्रयोग कर सकते हैं, हाई ग्लॉस इनेमल पेंट। ये देखिए बर्जर कंपनी का है, आप कंपनी कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपके यहाँ मार्केट में अवेलेबल हो। देखिए, जैसे ये बस ग्रीन है और ये गोल्डन येलो है, आप कलर कोई भी ले सकते हैं, सारे कलर अवेलेबल हैं मार्केट में। इसको भी पतला करने के लिए तारपीन का तेल ही मिक्स किया जाता है, 1 लीटर में लगभग 200 ग्राम तक। यूज करने से पहले डब्बे को खोल के अच्छी तरह से मिक्स कर लें, क्योंकि जो गाढ़ा माल होता है वो नीचे जमा हुआ होता है, तो उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, उसके बाद में ही इसका प्रयोग करें। देखिए, जैसे दोनों डब्बे हमने खोल दिए हैं, अब इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस तरीके से, जिससे कि पूरा एक में मिक्स हो जाएगा। तो हम इसमें वाइट का ही प्रयोग करने वाले हैं, बाकी आप कलर अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये हमने एक 4 इंची का रोलर लिया है और 3 इंची का ब्रश लिया है हमने, क्योंकि जहाँ पर रोलर पेंट नहीं पहुँचेगा वहाँ पर हम ब्रश से करेंगे। जैसे मोल्डिंग वगैरह होती है तो वहाँ पर रोलर काम नहीं करता है, तो वहाँ पर हम ब्रश का प्रयोग करेंगे इस तरीके से।
इसके हमें दो या तीन कोट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि पहले डार्क हुआ है, अभी हमें वाइट करना है, तो दो तीन कोट लगाने पड़ेंगे, या फिर आप कुछ ज़्यादा भी लगाने पड़ सकते हैं। अगर आपको जल्दी सेटिंग करनी है तो उसके लिए आप इसके ऊपर प्राइमर अप्लाई कर सकते हैं, वुड प्राइमर का। फिर भी आपको पेंट के दो कोट लगाने ही पड़ेंगे, अगर आप प्राइमर भी लगाएंगे फिर भी आपके पेंट के दो कोट तो लगाने ही पड़ेंगे। तो देखिए, पहले हमने ब्रश से मारा है और फिर इसके ऊपर हम रोलर चला देंगे, जिससे कि ब्रश के निशान ख़त्म हो जाएंगे। अब इसी तरीके से हम पूरे दरवाजे को पेंट कर लेंगे। और जो हैंडल या कुंडी होती है उसको आप टेप से कवर कर सकते हैं, मास्किंग टेप से। हमें कुंडी और ये हैंडल को चेंज करना है, इसलिए हमने कवर नहीं किया है, बाकी आप अपने हिसाब से इसको कवर कर सकते हैं ताकि इसमें पेंट ना लगे। अगर बाय द वे पेंट लग भी जाता है तो आप इसको तुरंत ही कपड़े साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑयल बेस्ड पेंट है तो जल्दी सूखता नहीं है। इसको सूखने के लिए कम से कम 8-10 घंटे चाहिए होते हैं एक कोट सूखने में। एक कोट मारने के बाद में इसको कम से कम 8-10 घंटे छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद में ही हम इसके ऊपर सेकेंड कोट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं पूरा एक कोट अप्लाई कर लेता हूँ, उसके बाद में दिखाता हूँ आपको। अभी एक कोट हो गया है, अब इसको सूखने के लिए छोड़ेंगे 10-12 घंटे। तो अभी हमारा दरवाज़ा सूख चुका है, अब इसके ऊपर हम इसी तरीके से सेकेंड कोट अप्लाई कर देंगे। जैसे हमने फर्स्ट कोट लगाया था वैसे ही हम सेकेंड कोट अप्लाई कर देंगे, और सेकेंड कोट लगाने के पहले आप इसकी सैंडिंग कर लें हल्की हल्की, ताकि दाने दूने कट जाएँ। सैंडिंग करने के लिए आप 220 नंबर या फिर 150 नंबर के रेगमल का यूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इसके ऊपर दो या तीन कोट लगा लेने हैं, जब तक इसकी सेटिंग नहीं हो जाती तब तक कोट हमें लगाने पड़ेंगे, चाहे दो लगे या फिर तीन लगे। तो चलिए मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए, अभी हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, हमने तीन कोट लगाए हैं इसके ऊपर और ये पूरा फिनिश हो चुका है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल वाइट हो गया है ये। इसी तरीके से आप किसी भी चीज़ को पेंट कर सकते हैं, चाहे आपकी विंडो हो, चौखाट हो, दरवाज़ा हो, या कोई और चीज़ हो जिस पे पेंट या पॉलिश हुई हो, तो उसके ऊपर अगर आप पेंट करना चाहते हैं तो इसी तरीके से पेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार की नई नई जानकारी के लिए आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।